ये कहीं ना कहीं जैसे कि हमने बात करी थी राइट जो क्लैशेस होंगे डी और सिक्स टू एट का क्लैश हुआ है सिक्स टू एट पिछले गेम में अपने आपको टॉप थ्री में रखा था इन्होंने और यहां पर अगर आप प्लेयर्स की बात करें प्लेयर्स को देखें तो इनके पास अच्छे खासे वेपन आ चुके हैं इनफैक्ट डी के पास भी अच्छे खास वेपन अराउंड ये लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइट लेंगे वेल well, डी के प्लेयर स्पॉट जरूर हुए थे लेकिन ऑन टू साइड यहाँ पर डैमेज दिया जरूर है अपने आपको एक पीछे के एरिया पर अच्छी जगह पर रखना चाहेंगे फ्रैक बॉय को देखे तो उनके पास सिर्फ विन नाइन है विनचेस्टर का इस्तेमाल यहां पर करते नजर आएंगे ही टू एन एस एस के के वेल आई वुड से किसी एक को अभी के लिए बैकअप यहां यहां से बैक ऑफ कर लेना चाहिए दैट इज दी ओनली ओनली लॉजिकल डिसीजन बट क्या दूसरी टीम इनको बैक ऑफ करने देना चाहिए क्योंकि आप देखिए काफी ज्यादा आगे यहां पर टूल जा चुके हैं नेड्स दोनों साइड से होने वाले हैं नेट परेड की शायद पर बात हो सकती oh. है लेकिन नेट एक साइड से कैंसिल की रेड कंटेनर के पीछे बट आर ऑफ अ प्लेयर आपको पता को है कि पीछे की तरफ को एक और प्लेयर अपने आपको पीछे के एरिया पर लेकर के आना चाहेंगे और अब नेट की बारी इनकी तरफ से आ जाती है <laughs> कारगर रहेगी दो अच्छे नोक्स निकाले डी जस्ट द गेम ओवर एंड डी इज लुकिंग रियली गुड एक यहां पर डाउन थे ऑन टॉप से थोड़ा सा पीछे की तरफ रह चुके हैं उनको जल्दी जल्दी आगे आना पड़ेगा एक अच्छा कंफर्मेशन आप निकाल सकते हैं वेल फ्रॉम द अदर साइड दे आर लुकिंग ब्रिलियंट एज डी एलिमिनेट 6 2 8 एंड फाइनली जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा yeah. था मेरे को वो मिल चुकी है द साउथ एशियन जाइट है उस टीम को इन्होंने बाहर निकाला है उस पी .E .E. की टीम <laughs> को बाहर निकाला है जिन्होंने पिछले मैच में टॉप थ्री फिनिश निकाला था And